हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि जो हमारा होल्डर सीरीज बल्ब बनता है वो कैसे बनता है। उसमें हमें एक बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, एक होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी और वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्लास पेस्कर और टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। तो बिना देरी के वो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये हमारा बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, फिलामेंट का। ये फिलामेंट बल्ब से है मेरे पास। एक हैंगिंग होल्डर है पीवीसी और ये कुछ वायर्स हैं मेरी। तो बिना देरी के हुए इसको होल्डर में कनेक्शन करते हैं। इसको हम दो पीस में बांट लेंगे, जो कि हमारी फेस की हम वायर बनाएंगे इसको, और दोनों सिरों को छीलेंगे। किनौ पीस की डाल दी है मैंने एक वायर में। नटों को खोल के होल्डर का जो एक टर्मिनल है उसमें लगाएंगे। आप जो सीरीज टेस्टिंग बल्ब बनाते हैं उसको 5 मिनट के अंदर ही आप सीखने वाले हैं। कृपया करें वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करने पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक पूरी नहीं देखोगे आप। दूसरी वायर को दूसरे टर्न वाले टर्मिनल में लगाते हैं। और कैनोपी के अंदर डाल देते हैं। दोनों वायरों को कैनोपी के अंदर डाल के देख लो पहले। ये दोनों होल्डर की जो टर्मिनल हैं दोनों में हमने एक एक वायर लगा दी है और एक वायर हमारी अभी सेपरेट पड़ी है। तो इनको हम बाहर निकालते हैं। को बंद करते हैं। ये हमारी न्यूट्रल की वायर है जो कि हमारी होल्डर के अंदर से कनेक्ट नहीं होगी। ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे हम। एक साइड टेप लगा लेते हैं हम इसको। तो हमने एक साइड ये ग्रीन टेप लगाई है और एक साइड हमने रेड टेप लगा रहे हैं। आप कोई भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन मैंने एक तरफ मेन जो रेड टेप लगाई है उसको मेन बनाएगा मैं। इनको बराबर कर लेते हैं और छील लेते हैं इसको, और इनको भी आपस में छील लेते हैं बराबर करके। देखो ये जो हमारी जो फेस वाली वायर मैंने बनाई है उसको होल्डर के अंदर दोनों टर्मिनल में कनेक्ट करी है, एक आई है और एक इधर गई है। और जो हमारी न्यूट्रल वाली वायर है उसको हमने सेपरेट लाया हूँ और यहाँ से सेपरेट ले गया हूँ। आप बिल्कुल सीधा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा आपको समझाने के चक्कर में इसको ऐसे किया है। इसको बीच में कनेक्ट नहीं करना है होल्डर के साथ, न्यूट्रल वाली वायर सेपरेट रखनी है। आप फेस भी रखोगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन हमेशा न्यूट्रल ही वैसे रखो तो बढ़िया रहेगा। कॉमन में आपको यही होनी चाहिए जो कि फेस वाली वायर लगनी चाहिए होल्डर के साथ कनेक्ट। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा 100 वाट का बल्ब है फिलामेंट का, और इसको लगाते हैं। और हमेशा ये सीरीज करने के लिए और किसी टेस्टिंग के लिए हमेशा हमको फिलामेंट का ही बल्ब यूज करें। वाट कम वाट का होगा चल जाएगा, लेकिन तो जो हमने रेड वाली टेपिंग करी है उस वायर को हम क्या करते हैं, हमारा ये बोर्ड है
इस बोर्ड में इधर दिखाओ तो ये देखो इस साइड मेरा राइट साइड में फेस आ रहा है, ये स्विच के थ्रू ऑन ऑफ हो रहा है, तो मैंने इसे अभी ऑफ करता हूँ। और जो हमारा फेस साइड राइट साइड में आ रहा था सॉकेट के, उसकी साइड में हम इसको लगाते हैं अपना, और ये हमारा बल्ब हमने दोनों सप्लाई जोड़ दी हैं, इसको ऑन करेंगे। अभी हमारा बल्ब नहीं जला है और देखो ये अब ये सीरीज है वो ये, अब इसको हम टच करते ही बल्ब हमारा जल जाएगा। देखो अब क्या है, हमारा इसमें तो फेस आ रहा है जो कि हमारी इसमें जो कि बल्ब के थ्रू आ रहा है, देखो अभी आ रहा है, हम बल्ब निकाल देंगे तो नहीं आएगा। अब देखो नहीं आ रहा है, अब बल्ब लगाते ही आ जाएगा। आज आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये है जब हम कोई चीज़ हमारा प्रोडक्ट हम चेक करते हैं, कोई मोटर बाइंडिंग है या कुछ भी अदर चीज़ चेक करेंगे, तो उसकी हम बॉय करेंगे और एक उसकी वायर पे करेंगे तो उसे पता लगेंगे हमारा लीकेज तो नहीं है, और उसको अंदर से चेक करना पड़ेगा। तो ये चेक करके उसको उसके बाद कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे देखो इस सीरीज करने पे ऐसे जल जाता है। ओके, वीडियो मेरी कंप्लीट हो गई है, और वीडियो को फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।